अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, शपैक टीवी की तरफ से आपका मेज़बान रहे जैसे एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के जो वीडियो है वो उड़ी बाबा, कुकड़ बाबा और पूड़ी बाबा तीनों लेंस है, खुशरो पाकिस्तान। आज हम रमजान सीरीज में जो हंटिंग करते फिर रहे हैं, शहरी हंटिंग, उसमें हम पहुंच चुके हैं जी कराची। मेरे पीछे का माहौल देख के आपको नजर आ रहा होगा, गंजा बाबा, मुर्गा बाबा, उड़ी बाबा। ये एक हसलिंग बसलिंग कराची और खूबसूरत शहर, बेहतरीन खाने और क्या क्या इसकी मिसाल दूं, क्या क्या इसकी तारीफ़ करूं। आज हम कराची पहुंच चुके हैं जी, यहाँ की सहरियाँ और इफ्तारियाँ करने के लिए। फ़िलहाल रात के 12:30 हुए हैं और हमारे साथ हैं जी एहसन भाई। क्या हाल चाल? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? ऑल वेल अल्हम्दुलिल्लाह। क्या प्लान है जी कराची में? आज सिर्फ चलने का प्लान है। चलने का प्लान, चलेंगे देखेंगे क्या चल रहा है। सही है। कौन से एरिया में हम लोग? मैं इस वक्त मेन खारादर में। ठीक है, और लेट्स सी कहाँ खारादर हमें आज क्या कितना सरप्राइज करता है। ठीक है, खाना हमें जो मिलता रहेगा खारादर में वो तो हम खाते रहेंगे, देखेंगे रमजान में कराची की शहरी में क्या वाइब होती है। भाई जान, प्लान यही है कि चलते रहना, जिंदगी चलेगी इधर हम चलेंगे। अच्छा। देखेंगे हमें शहरी मिलती है या दिलासे मिलते हैं। तक्के खाने में एक्साइटेड है शहरी के लिए। फुल मौसम ठंडा गर्म, बरसात या बर्फबारी वाला, हमेशा आपको 12 महीने गर्म मिलेगी। क्या हाल है बॉस? अल्लाह के शुक्र। कब तक लगाते हो फ्राइज? फ्राइज रात 3 बजे। अच्छा, क्या खासियत है आपके फ्राइज में? माशाल्लाह अच्छा चीज़। अच्छा फ्राइज है, अच्छा फ्राइज है, पूरा करादार में कुछ। अच्छा, पूरा खारादार में सबसे अच्छा। ओहो, हेलो छोटू, फ्राइज खाते हो यहाँ पे हैं? कैसे लगते हैं? कैसे लगते हैं फ्राइज? दिस इज कराची भाई, जहाँ पे पान के भी कुछ 70 रंग है, ऐसे लग रहे हैं जिस तरह बचपन में चूजे नहीं होते थे रंग बिरंगे, वैसे इन्होंने पान रखे हुए हैं। खाने तो हम बाद में खाएंगे भाई, खारादर में एक ऐसी स्ट्रीट में हम आए हैं, इमाम बारका वाली स्ट्रीट है। यहाँ पे मुझे आके एक हैवी नॉस्टैल्जिया क्या, मुझे लग रहा है मैं 90s के अंदर वापस चला गया हूँ, मतलब वो जो बचपन होता है। यहाँ पे पूरी लाइन में भाई ओपन जॉयलैंड है, वो पुराने वाले झूले जो वो गलियों में नहीं अक्सर सर्कस लगती थी, छोटी छोटी वो डोली होती है छोटी सी, हाथ से घुमाते हैं उसमें बच्चे बैठते हैं, फिर उसके बाद जनाब पींगे क्या और कश्तियाँ क्या। और यहाँ पे सोने पे सो आ गई है कि लच्छा मिल रहा है, कॉटन कैंची मिल रही है यहाँ पे। चलो साहब एक लच्छा लगाओ, पहले बचपन को ज़रा सही तरह से याद करें। ये जी चीनी जा रही है लच्छे वाली मशीन के अंदर, और इसके बाद जनाब ये भाई की लच्छा फैक्ट्री है जहाँ पर इन्होंने एक व्हील लगाया हुआ है, और इस व्हील को ये ऐसे घुमाते जाएंगे और वहाँ पे लच्छा मशीन घूमनी शुरू हो गई है जो कि चीनी क्रश होके कॉटन कैंडी बनती जा रही है। मैं कह रहा हूँ ये प्री ऑर्डर लच्छे ऑलरेडी बने पड़े, हमने फ्रेश बनवाया है। नहीं जी, लच्छा हमारे पास आ चुका है। कितने का? 30 रुपीज़। 30 रुपये का लच्छा, फ्रेश ताज़ा गर्मा गर्म खाना। कैसे बचपन में मैं इसको मधोल देता था, मतलब इतनी सी कैंडी बना के खाया जाता था। ए जी गए बुढ़ी अम्मा दे बाल, मैं ज़्यादा खींचना चाह रहा हूँ, मैं वो नीचे से निकल जाता है। ओए ओए, तू बुढ़ी अम्मा सिर की बाढ़ गए, मेरा बचपन गया ही नहीं है। मेरा बचपन गया ही नहीं ऐसा यार। गंजा बाबा, मुर्गा बाबा, उड़ी बाबा। आज के जो वीडियो है वो उड़ी बाबा, कुकड़ बाबा और पूड़ी बाबा तीनों लेंस है, खुश रहो पाकिस्तान। ये तो लिटरली यार बच्चा पार्टी हेवन है, मतलब ये। और ये आपको लग रहा है कि रात के 2 बज रहे हैं? मतलब मैं कसम से हैरान रह गया हूँ कि रात के 2 बजे में, और ये वाला जो जॉयलैंड माहौल है ये छोटे शहरों में भी ख़त्म हो गया, कराची ने आज तक वो माहौल दिया हुआ है बच्चों को जो हमने 90s में देखा हुआ है। ये कराची का था बेसिकली, अंदरून कराची है। अंदरून कराची ये ओल्ड सिटी एरिया कहलाता है, मतलब हर पे आम है, जैसे अंदरून लाहौर है ना, ये यहाँ की वाइब है और ये बिल्कुल डिफरेंट है पूरे शहर। कमाल होगी, जंपिंग कर रहे हैं, हमारी वीडियो बनाओ। चलो करो करो, वो बोल रहे बिजली की तारों को हाथ लगाओ। ये भाई शक्तिमान आया, ये कराची का शक्तिमान, ये उड़ी बाबा। आइए सर, आइए टेबल पे आइए सर, रास्ते में चलने वाला इधर आ जाइए। वाली
खारा दर में हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पहले स्पॉट पे, जो कि असली कलंदरी कलेजी, बहुत मशहूर है ये इस इलाके के अंदर। अन्य वा किस्म की कलेजी इन्होंने तवे पे रखी होती है। ओ हो 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 हो, ग्रीन चटनी अखीर कर चटनी। उस्ताद जी कितनी कलेजी होगी ये? कितनी कलेजी होगी ये? 10 किलो है। फुल ऑन मसालों के अंदर डूबी हुई कलेजी, और छोटा छोटा कलेजी कट जरा देख के लग रहा है कि हैवी स्ट्रीट फूड। और किनारे पे उन्होंने टोमेटो चटनी रखी हुई है, साथ प्याज है, साथ इनके बन है। थोड़ी खिलाओ कलेजी, खिलाओ भाई को थोड़ी कलेजी, खिलाओ। ये ले असल कलंदरी कलेजी, असल कलंदरी कलेजी आई है साथ जी, इनका बन आया। ओए होए होए, इस बन की अपनी गेम बहुत है भाई। यार ये रात के क्या टाइम हुआ भाई? एग्जैक्ट 2:01, कहीं से नहीं लग रहा कि ये रात के 2:01 हुए हैं। दुकानें खुली हैं, ईद करीब है, शॉपिंग फुल जोबन पे चल रही है। पहले तो मैं यार इनका सिर्फ बन खाने लगा हूँ, सिर्फ इनका बन देख के जो है ना वो मुझे फील आ रही है कि यार इसको कलेजी के ऊपर पूरा इन्होंने जो है वो घुमाया हुआ है। कलेजी अपन एक्स्ट्रा मंगा ली, बन ही काफ़ी था। ओए स्पाइसी, वेरी स्पाइसी तवा टेस्ट एंड वेरी सॉफ्ट बन। कौन सा लिमका है, कौन सा लिमका है? ब्लूबेरी है, लेमन है, पकोला है, पीच है। अभी मैं इस बन के साथ लगाऊंगा जी ये कलेजी, जिस पे टमाटर की सॉस है। कलेजी खुद बहुत मसालों के अंदर जो है ना वो घूमी हुई है, साथ एक हैवी मसाला। ओए होए होए होए, एक्सट्रीम स्ट्रीट फूड वाइब, बट कलेजी बहुत ज़्यादा मसालों ने उसको जो है ना वो घेरा हुआ है बहुत ज़्यादा। कलेजी का टेस्ट अच्छा है, बीच में कलेजी वाइब आ रही है, वो वाइब मरी नहीं है, बट वो मुझे लग रहा है कि ओवर मसाला की हुई है। मसाला बहुत 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 हर तरफ मसाला। कलेजी का टेस्ट डोमिनेंट होना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा, मसालों का हो रहा है। मसालों का आपकी मोहब्बत माशाल्लाह भाई, ये बड़ी मोहब्बत है हमारे, माशाल्लाह हम दो भाई आए और वेलकम के साथ भाई के लिए जोरदार तालियों दी जाए भाई। साकिब भाई आप बोलो, मौसम ठंडा गरम बरसात क्या बर्फबारी वाला, हमेशा आपको 12 महीने गर्म मिलेगी। और जल क्वेश्चन अली ब्रांडी है, साकिब भाई और जी टेस्ट से क्वेश्चन अली ब्रांडी में मिल गया मेरे साथ नारे का जवाब, क्योंकि नारा कराची में मशहूर है, मैं चाहता हूं पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। तो मिल गया जो मेरे गौसिया के लोग हैं, मिल गया मेरे साथ नारे का जवाब, नारे गौसिया। अब राज करेगा गौसिया, अब राज करेगा गौसिया। अच्छा भाई, आज हम लोग अपने लास्ट स्पॉट पे पहुंच चुके हैं, जो कि क्रेजीएस्ट स्पॉट ऑफ कराची, वसिया नली बिरयानी। बस कितनी है ये? 10 किलो 10 किलो 10 किलो 10 किलो फिर क्या हाल है? अल्लाह की रहमत, आप लोगों का मोहब्बत और प्यार, आई लव यू वसिया के साथ। कैसे कैसे साकिब भाई, अल्लाह की रहमत है। आप देखें कि सब आप लोगों की मोहब्बत है आज दुनिया के अंदर, जो वसिया नली बिरयानी है माशाल्लाह, आप जैसे भाई लोगों के जरिए ये अल्लाह ताला ने असबाब बनाया है, और आप जो माशाल्लाह ये काम कर रहे हैं, माशाल्लाह दुनिया के लिए एक ऑनेस्ट काम कर रहे हैं, एक अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं, वो फूड दिखा रहे हैं जो फूड एंड हेल्दी हो, सेहत के लिहाज से अच्छा हो और मोहब्बत के लिहाज से भी अच्छा हो। मैंने आपसे तो पुरानी मोहब्बत जुड़ी हुई है, ये आई लव यू है सर वसिया का। देखे ना आज माशाल्लाह से आपके पेन देखे, आज छाए पड़े आपके पीछे पीछे घूम रहे लोग। अच्छा साकिब भाई, रमजान में कितना दिन में माशाल्लाह बिरयानी कितनी देंगे ऑलमोस्ट? माशाल्लाह जिस दिन सोचते हैं बस अल्लाह ताला से तवक्कल करते हैं अल्लाह के नाम पे, और अल्लाह से तवक्कल करके घर से निकलते हैं, और अल्लाह ताला जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा देता है। भाई ये सब अल्लाह की करम नवाजी है, आप लोगों का मोहब्बत प्यार है। आई लव यू एक दफा फिर हो जाए, आई लव यू वसिया। द रियल वसिया क्रेज यहाँ पे नजर आ रहा है, कराची का क्रेज पीछे जितनी आपको मतलब नजर जा रही है, आवाम बैठी है और बिरयानियाँ चल रही है। वसिया
दिस इज कराची भजन माहौल है जंग और वाइबे अजीम भाई पहुंच चुके हैं हम लोग गौसिया के ऊपर किचन में और लाइन के अंदर भी 10 देखे और चावल के चावल कितने साकी भाई कितने किलो चावल होंगे इस टाइम इसके अंदर ये टोटल 60 किलो चावल माशा 60 किलो माशा और ये यखनी में पक रहा है ओए होए होए 60 किलो चावल सादे पानी में नहीं है ये यखनी में हो रहा है फिर ये यखनी के अंदर अच्छा ये उबल रहा है यखनी में जी ये यखनी के सादा पानी नहीं है ये सादा पानी रमजान में भाई पहुँच चुका है यखनी ये तो बड़े बल्कि है साकी भाई कितने किलो होगा ये हो तकरीबन 4 किलो अच्छा भाई देखने उसके बाद आ जाती है इस तरह नीचे इसके पूरी नली की तह बीफ की तह यखनी यखनी है इसके अंदर बीफ है नलियाँ पड़ी हुई है ऊपर राइस आगे इसी तरह यहाँ पे एक देख पड़ी हुई है इसी तरह आगे एक देख पड़ी हुई है फिर उससे आगे एक देख पड़ी हुई है और उसका कलर आपको नजर आ सकता है किस तरह अंदर ऑरेंज फील है उसके ये जो है बगैर घी के लिए बनी है ये सब जो है यखनी है इसकी अच्छा यखनी में पड़ा है भाई चावल अरोमा इसको एब्जॉर्ब कर रहा है ओए होए 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 ये चेक करो ये चेक करो और बस आहा हा ये रंग आ रहे हैं जी यही तो रंग है जो नजर आते हैं बिरयानियों के अंदर यार ऑनेस्टली यहाँ पे किचन के अंदर जितनी गर्मी है जो ये बिरयानी बनाने वालों की जो हिम्मत है वही फिर जायके जब निकल के आते हैं और फिर जब हम खाते हैं हमें तो मज़े आते हैं असल मेहनत इनकी है जो यहाँ पे खड़े हैं माशाल्लाह से ये आपकी मोहब्बत है इसके और आवाम की मोहब्बत के अंदर हम हर हद पार कर जाएंगे आपकी मोहब्बत के लिए हर काम कर जाएंगे बस ये आपकी मोहब्बत है आपकी मोहब्बत है मोहब्बत और ये इससे ज़्यादा मैं और यहाँ खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं सूरज के बहुत करीब आ गया ओए होए होए भाई ये चार ने ओहो सजा के चार बिरयानियाँ हमारे पास आ चुकी हैं यार चार बिरयानियाँ बिल्कुल नली में बीफ और हेवी किस्म की बिरयानी ये अभी निकलेगी इसके अंदर से मैं सिर्फ ये जूसेस चेक करो निकालें इसको ये जादू बाहर निकालें इसके अंदर से ये आई मैं अच्छा भाई आपके सामने बिरयानी आती है ऐसे फ्रेश उसके अंदर से जो है ना वो मेख निकलती है मेख निकलते हुए बंदे की जो है ना वो वहीं पे साथ एक दो जान निकल जाती है कि यार ये क्या बाइट होगी वो बेहतरीन किस्म की एक बिरयानी और सबसे मज़ेदार चीज़ है जो साकिब भाई ओनर होते हुए आज तक खुद अपनी मतलब जो अपने कस्टमर हैं उनके साथ उतना ही इन्वॉल्व होते हैं जितना पहले दिन से थे यही उनकी मोहब्बत है मेरे ख्याल जिसका अल्लाह ताला इतना उनको दे रहा है खैर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें कुछ भी करें भाइयों को दुआओं में याद रखना इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है कैसी लगी भाई बिरयानी मुझे तो भाई पूरा बाश हो गया दिल खुश हो गया दिल गार्डन गार्डन हो गया इतनी अच्छी लगी कराची बेशक काफ से शुरू होता है लेकिन ख़त्म गोसिया नली बिरयानी पे होता है मैं फूड कोमा में हूँ मैं बिरयानी कोमा में हूँ